इस बात की जरबों को बरतानिया में बैठे अब्दुल कादिर शाह टंच बाटा साहब ने भी अच्छी तरह महसूस किया है और उम्मीद है कि ये सारे तमाशे के बाद अन करीब कैनेडा का मदारी भी मैदान में आएगा। उलेमा अहले सुन्नत एक अरसा से इस शख्स पर वाजे करते आए हैं कि ये कौल जमहूर नहीं है, ये इजमाए उम्मत का फैसला है और दलील कतई है इजमाए उम्मत। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत इजमाई और कतई है और मुतवातिर है ये इजमा। और ये अल्फाज हाजिर हैं, वइज़ा सबत अन्नल मुराद बिहाज़िल आयत मन कान अफ़ज़लुल ख़ल्क वसबत अन्न ज़ालिकल अफ़ज़ल मिनल उम्मा इम्मा अबू बकर औ अलीयुन وثبت ان الايه خير صالحة لعلي تعين حملها على ابي بكر رضي الله عنه وثبت دلاله الايه ايضا على ان ابا بكر افضل الامه। ये है इमाम राज़ी ला रहमा का मज़हब, इसको मुकम्मल पढ़ें, सारी बातें हमने पेश कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कब्बर अल-असागिर बिमौतिल अकाबिर والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين। معزز ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے اہل سنت کی صفوں میں چھپے روافض کے نمائندوں کے ساتھ ہماری جو جنگ شروع ہوئی आज वो अकीदे अफजलियत तक पहुंच चुकी है। खुदा का शुक्र है अहले सुन्नत के हजरात ने अकीदे अफजलियत पर ही स्टैंड लिया और फिर उनको समझ आ गई कि ये सारी चाल तो रवाफिज की है। अहले सुन्नत में छुपे रवाफिज के नुमाइंदे राफजियत के नज़रिए को अहले सुन्नत के अंदर दाखिल करना चाहते हैं। अकीदा अफजलियत के लिहाज से एक भरपूर बेदारी है और इसकी कतईयत पर कायम रहने की भरपूर ज़रूरत है। आज जिस वक़्त अकीदा अफजलियत के लिहाज से मुखालिफिन के पास कोई चारा ना रहा, अब वो इस तरफ लाना चाहते हैं कि ये मसला ज़न्नी है। ये सारे हजरात आज के राफजियत के नुमाइंदे ये जहां सर झुकाते हैं पिंडी की दहलीज पर, और पिंडी वाले जो चंद तफजीली हजरात हैं वो अपना इमाम और पेशवा इस फन में मानते हैं अब्दुल कादिर शाह टंच बाटवी को, और इस मसला में जब से हमारी ये जंग जारी है हमें अच्छी तरह अंदाज़ा रहा कि जनाब अब्दुल कादिर शाह टंच बाटा साहब किस किस तरह इन्वॉल्व होते रहे बैकफुट पर होकर, किन किन मकामात पर उनके नुमाइंदे हमारे मुकाबले में आते रहे, ख़ास तौर पर बंदे नाचीज़ के मुकाबले में जहाँ जहाँ मुनाज़रे की बात चली हमें सारी ख़बरें हैं कि टंच बाटा साहब ने भी अपने नुमाइंदों को भरपूर इन्वॉल्व किया और पूरा उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद कई तरह की बेसाखियों का सहारा लेने के बावजूद हमारे सामने आने की किसी को जुर्रत ना हो सकी, और ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। आज इस बात की जरबों को बरतानिया में बैठे अब्दुल कादिर शाह टंच बाटा साहब ने भी अच्छी तरह महसूस किया है और उम्मीद है कि ये सारे तमाशे के बाद अन करीब कैनेडा का मदारी भी मैदान में आएगा और वो भी अपना हिस्सा डालने की पूरी कोशिश करेगा। अब्दुल कादिर शाह टंच बाटा साहब ने जिस तरह मसले अफजलियत को मशकूक करने की कार्रवाई की, और जब से उसने वो किताब लिखी है और किताब लिखने के बाद उसके बेशुमार रद्द भी आ चुके, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने भरपूर उसका ताकुब किया हुआ है। आज एक मरतबा फिर वो अपनी इल्मी खयानतों के साथ इस मैदान में आने की कोशिश कर रहा है और तफसीलियों की गिरती हुई साजिशों को अपनी बेसाखियों से दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अजीब तमाशा है, एक तरफ कहता है मैं मानता हूँ अफजल है, दूसरी तरफ कहता है नहीं ये ऐसे है वैसे है। ये सब मुखालते हैं, किसी तरह इनका मिशन है कि ये अकीदा अफजलियत कमज़ोर हो
और राह निकल सके किसी और को अफसल कहने के लिए। इब्तदाई तौर पर अब्दुल कादिर शाह साहब ने जो अपना क्लिप जारी किया और उसमें दो हवाले पेश किए और दावा किया कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तकमीलुल ईमान के अंदर भी इसको ज़न्नी और जमहूरी करार दिया है, इजमाई नहीं करार दिया, और इसी तरह उसने दावा किया कि हज़रत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने भी इस मसले पर इजमा नकल नहीं किया बल्कि दो शख्सियात पर इजमा नकल किया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों पर इजमा को नकल किया। तो इस तरह की बातों को नकल करके उसका मकसद ये था कि ये साबित करे कि ये इजमा नहीं है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफसलियत पर बल्कि ये कौले जमहूर है। वैसे तो कौले जमहूर भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, जमहूर के मुकाबले में जो कौल आए उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी उलमा अहले सुन्नत एक अरसा से इस शख्स पर वाजे करते आए हैं कि ये कौले जमहूर नहीं है, ये इजमाए उम्मत का फ़ैसला है और दलील कतई है इजमाए उम्मत। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की अफसलियत इजमाई और कतई है और मुतवातिर है ये इजमा, हर दौर में इजमा कायम रहा। खैर, इस शख्स ने जो इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी का नाम लिया और उनके जो हवाले पेश किए तो इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा उनके हवाले से टंच बाटवी साहब ने जो ज़िक्र किया कि इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने चार या पाँच जगह पर ज़िक्र किया कि इजमाए उम्मत है इम्मा अला अबी बकरिन औ अलीयिन। सबसे पहले तो मैं इस बेचारे को ये बता दूं कि ना ये चार दफ़ा ज़िक्र हुआ ना पाँच दफ़ा ज़िक्र हुआ, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने तीन दफ़ा इस मौजू को ज़िक्र किया और तीनों दफ़ा जब इस मौजू को ज़िक्र किया तो इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने बाद में फ़ैसला भी सुनाया हुआ है। यही इल्मी ख़यानत है इस शख्स की कि इबारत को उतना लेता है जितना उसका अपना मुफाद होता है। जहाँ अहले सुन्नत का फ़ैसला और हकीकी नज़रिया इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी बयान फरमा रहे हैं उसको ये हस्ती बयान ही नहीं फरमा रही। आधी बात को लेना, आधी को तर्क कर देना, कुछ को मानना, कुछ को रद्द करना, इसको तो कुरान ने यहूदियों का शियार बताया है। और इस शख्स का अजीब अंदाज़ है, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी पर यह बात थोप रहा है कि उन्होंने इसको कौले जमहूर करार दिया है, इजमाए उम्मत नहीं माना। हालांकि इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने तो इस मसला में बड़े बड़े पेचीदा मसले हल किए हुए हैं। तो इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने जिन तीन मकामात पर इस मसला को बयान किया वो आज हम बड़े इख्तसार के साथ खोल कर बयान कर देते हैं। सबसे पहले सूरह नूर के अंदर इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने इस आयत के तहत बहस फरमाई, वला यअतली उलिल फ़ज़्ल मिनकुम। इस आयत के तहत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने इस कौल को नकल किया जिसका ये जनाब टंच बाटवी साहब ने ज़िक्र किया। तो इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा इस आयत के तहत बयान फरमाते हैं, ये सफ़ा हाजिर है, तमाम हजरात मुताला कर सकते हैं। फरमाते अजमातिल उम्मा अला अन्नल अफ़दल इम्मा अबू बकरिन औ अलीयुन, कि उम्मत का इजमा हुआ इसी पर हुआ कि अफजल या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं या फिर मौला अली हैं। इतना बयान किया है इस शख्स ने भी, इतना इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने जब बयान किया तो आगे क्या कहा वो भी काबिल गौर है। ये इबारत हाजिर है, इमाम फरमाते हैं फ़ाइदा बैन्ना अन्नहु लैसल मुरादु अलीयन तअय्यनतिल आयतु लिअबी बकरिन, कि ये इजमा था कि या अबू बकर हो सकते हैं या हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हो सकते हैं, लेकिन जब हमने ये बयान कर दिया और इसका पीछे उन्होंने हवाला दिया वो एक तफसील तलब मौजू है और ये पीछे सारी बहस है इस आय से मुत्तसिल इसी सफ़े पर पढ़ी जा सकती है। उसको बयान करके इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब हमने ये वाज़े कर दिया कि इस आय से मौला अली मुराद ही नहीं हो सकते तअय्यनतिल आयतु लिअबी बकरिन, तो मुतअय्यन हो गया
कि इस आयत से भी फजीलत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साबित होती है। लिहाजा इतना बयान करके वो बाद में अपना फ़ैसला भी दे रहे हैं, और हज़रत का कमाल ये है कि कुछ हिस्सा बयान कर दिया और आगे जो फ़ैसला दे रहे हैं उस फैसले को पढ़ते हुए इन्हें अपने अकीदे की मौत नज़र आती है। इसी तरह दूसरे मकाम पर सूरह ज़ुमर के अंदर इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा इस बहस को दोबारा ज़िक्र करते हैं, ये सफ़ा हाज़िर है। यहाँ भी इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने वही अंदाज़ इख्तियार फरमाया, फरमाते हैं अजमऊ अला अन्न अल असबक अल अफ़दल इम्मा अबू बकर व इम्मा अली। यहाँ भी इजमा का ज़िक्र किया, इतना इस बंदे ने ज़िक्र कर दिया। आगे क्या फरमाते हैं, व अजमऊ अला अन्न अल असबक अल अफ़दल इम्मा अबू बकर व इम्मा अली व हमल हाज़ अल लफ़्ज़ अला अबी बकर अवला। यहाँ भी उन्होंने फ़ैसला सुना दिया कि दोनों मुराद हो सकते थे, लेकिन इस आयत का मिस्ताक भी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बल्कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ही बनाया जा सकता है, और वही ज़्यादा औला हैं कि उन्हीं को मिस्ताक बनाया जाए। इसी तरह तीसरे मकाम पर इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने जो फ़ैसला कुन बहस फरमाई, और यही सारी बहस का ख़ुलासा है, वसयुजन्नबुहल अतका। अतका की बहस के अंदर इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने बहुत तवील बहस फरमा कर सारे हिजाबात से पर्दे उठा कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनकी अफसलियत को वाज़ेह अंदाज़ में बयान फरमाया। यहाँ फरमाते हैं लिअन्नल उम्मत मुज्तमियातुन अला अन्न अफ़दल अल-ख़ल्क़ बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्मा अबू बकर अव अली। यहाँ भी इजमा उम्मत इन दोनों हस्तियों पर होने का जिक्र करके आगे फरमाते हैं वला यमकिनु हमलु हाज़िहिल आयति अला अली इब्न अबी तालिब फतअय्यन हमलुहा अला अबी बकर। बड़े वाज़ेह अंदाज में इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वला यमकिनु हमलु हाज़िहिल आया अला अली इब्न अबी तालिब, कि इस आयत का मिस्ताक किसी तौर पर भी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बन सकते। फतअय्यन ये काबिल गौर है, ये फ़ैसला कुन कलाम इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा का, फतअय्यन हमलुहा अला अबी बकर, तो मुतअय्यन हो जाएगा कि इसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पर ही महमूल किया जा सकता है, वही मुराद हैं। और इसी आयत के तहत इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा ने अतका के बारे में वाज़ बहस फरमाई, और ये अल्फाज हाजिर हैं वइज़ा सबत अन्नल मुराद बिहाज़िल आयत मन काना अफ़ज़लुल ख़ल्क वसबत अन्न ज़ालिकल अफ़ज़ल मिनल उम्मा इम्मा अबू बकर अव अली वसबत अन्नल आयत ख़ैरु सालिहतिल अली तअय्यन हमलुहा अला अबी बकर रदियल्लाहु अन वसबत दलालतुल आयत अय्दन अला अन्न अबा बकर अफ़ज़लुल उम्मा। ये है इमाम राज़ी अलैहि रहमा का मज़हब, इसको मुकम्मल पढ़ें, सारी बातें हमने पेश कर दी हैं, सिर्फ नाम ले लेना इमाम राज़ी ने ये लिखा है, फलां ने ये लिखा है, ये आसान है। इबारतें किताबें सफ़ा दिखा कर बयान करना, फिर पता चलता है हक क्या बयान हुआ। तो ये इमाम राज़ी अलैहि रहमा के हवाले से हमने वाज़े बयान कर दिया कि उनका तो अकीदा है, वो तो इस आयत से इस्तदलाल करके बयान करते हैं अन्न अबा बकर अफ़ज़लुल उम्मा, कि वही अफ़ज़ल उम्मत हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर मुराद लिए ही नहीं जा सकते। तो जिन मकामात पर भी इमाम राज़ी अलैहि रहमा ने दोनों हस्तियों का जिक्र किया, हर मकाम पर इमाम राज़ी अलैहि रहमा ने अपना फ़ैसला भी सुनाया कि मुराद हो सकते थे लेकिन मौला अली चूँकि नहीं है, लिहाजा अकेले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही अफ़ज़लुल उम्मत होने के हकदार हैं, और उन्हीं पर इजमा जो है वो बाकी है। और दूसरा, आपने तकमीलुल ईमान का ज़िक्र किया हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा का, तो उस हवाले से भी ये तकमीलुल ईमान भी हाजिर है, वह सफ़ा भी हाजिर है जिस पर आप कलाम कर रहे थे। इख्तसार के साथ आज मैं सिर्फ इतना बयान कर देता हूँ कि ये जो जमहूर जिक्र कर रहे थे कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने तरतीब खिलाफत पर तरतीब अफसलियत को ज़िक्र किया और इसे कौले जमहूर करार दिया,
ये कौल जमहूर किस बुनियाद पर है इसको ज़रा समझें। ये इबारत हासिल है बिदा के जमहूर अहले सुन्नत बरियंत के मजकूर शुद्ध के जमहूर अहले सुन्नत इसी पर हैं जो मजकूर हुआ, यानी ये जो खिलाफत की तरतीब है यही अफसलियत की तरतीब है, जमहूर अहले सुन्नत इसी पर हैं। इससे जनाब टंच बाटवी साहब ये इस्तदलाल कर रहे थे कि वाज़ हो गया कि ये कौल जमहूर है, इजमा नहीं है, जबकि शेख मुहक्किक क्या फरमाते हैं अगली इबारत काबिल गौर है, उसमें फरमाते हैं वो मरवी अस इमाम मालिक वगैरह वे तवक्कुफ अस मयान उस्मान व अली के तवक्कुफ किया गया हज़रत मौला अली और हज़रत उस्मान गनी के लिहाज से। तो ये जो फरमाया गया कि जमहूर इसी पर हैं, तो ये हज़रत सैदना उस्मान गनी हज़रत मौला अली के लिहाज से था। शेखैन की अफसलियत के लिहाज से कौल जमहूर नहीं है। शेखैन की अफसलियत को शेख मुहक्किक ने भी कतई तौर पर ज़िक्र किया। ये इख्तिसार के साथ मैंने सारा हवाला दे दिया, इस सफ़ा के नीचे सारी बात को पढ़ लें। इस कौल से आगे हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वाज़ेह फरमा रहे हैं कि इस बारे में इख्तिलाफ़ चलता आया है।